हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स टॉपिक में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक्स फॉर्म में एक क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसकी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो और टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब हिंदी में, यदि प्रश्न एक्स तथा वाई दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना ज्ञात कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। एक्स की वैल्यू है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी और वाई की वैल्यू है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि कभी कभी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे जो है कंप्लीट आंसर नहीं निकालते हैं, पार्शियल आंसर या आधा आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आएगा तो वो सिंपली एक्स और वाई दिया रहेगा और उसको डी बाई डी एक्स निकालना होगा, ये नहीं रहेगा। ये प्रूफ करने बेस्ड आएगा कि प्रूफ दैट इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस एंड देन प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस कॉट थ्री टी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो आंसर है माइनस कॉट थ्री टी, ये बच्चे निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। ठीक है, आंसर यहाँ पे ये निकालना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस आंसर तक पहुँचना केवल डिफरेंशिएशन की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फॉर्मूलेस को यहाँ पे लगाने होंगे और स्मार्ट तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा रेशनलाइजेशन भी करना होगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन केवल डिफरेंशिएशन का नहीं है। तो इस अगेन इस तरह क्वेश्चन फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस खासकर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन के द्वारा एग्जामिनर स्टूडेंट से तीन चार टॉपिक को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बनते हैं और सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को। सबसे पहले यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उससे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी, तो इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एल एच एस मिलेगा डी एक्स बाई डी टी, और आर एच एस का जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन टूल को लगाएंगे। तो क्वेश्चन टूल अगर हमारे पास यू अपॉन वी करके फंक्शन है, जैसे कि अगर हम यू को यहाँ पे साइन क्यूब टी मान लें और वी को अंडर रूट कॉस टू टी मान लें तो डिफरेंशिएशन हो जाता है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी जो अंडर रूट कॉस टी है, सबसे पहले हम अंडर रूट कॉस टी का कॉस टू टी का स्क्वायर करेंगे डिनोमीटर में, और ऊपर साइन क्यूब टी के डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग चेन रूल लगाएंगे। साइन क्यूब टी को हम लोग एक्स क्यूब की तरह ट्रीट करेंगे सबसे पहले, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें मिल गया थ्री साइन स्क्वायर टी। फिर उसके बाद एक्स हमने साइन क्यूब टी को माना था तो यहाँ पे जो एक्स है वो फर्दर साइन टी को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पहला, और दूसरा जो अंडर रूट कॉस टू टी डिनोमीटर में उसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, फिर माइनस लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन को दैट इज साइन क्यूब टी को ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन
अंडर रूट कॉस 2p को हम लोग अंडर रूट एक्स मानते हुए करेंगे। तो हमें ये पता है कि अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x, ठीक है। अब यहाँ पे रूट कॉस 2t जो है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले हमें मिलेगा 1/2 √cos 2t, और फिर फर्दर हम कॉस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -sin 2t। अगेन हमें साइन 2t में 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 कांस्टेंट है तो पहले 2 लिखा गया, t का डिफरेंशिएशन होगा फिर लास्ट में 2 लिखा गया। तो रूट का 2 और जो 2t का डिफरेंशिएशन होगा वो दोनों कट जाएंगे। तो हमें यहाँ पे येलो लाइन में देखना है कि dx में dt की वैल्यू आ रही है 3 sin square t cos t under root cos 2t plus sin 2t into sin 2t upon under root cos 2t whole divided by cos t। अब हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर में अंडर रूट कॉस टी टी को एलसीएम में लेना है, तो ये कॉस 2t जो है इससे मल्टीप्लाई होके रूट का स्क्वायर हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और यही रूट कॉस 2t जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस 2t से, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने ब्लैक वाले कलर से दिखाया, ब्लैक लाइन में यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रूट के ऊपर स्क्वायर लगने से रूट हट जाएगा, यहाँ बनेगा 3 sin square t cos t cos 2t plus sin 3t into sin 2t। नीचे जो है हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ कॉस 2t का पावर 1 है और ये रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, इसलिए हमें यहाँ डिनोमीटर में कॉस 2t का पावर 3/2 दिख रहा है। यहाँ तक आने के बाद हमें dx/dt जो है मिला, जैसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इसी तरीके से हम y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे पोर्शन 2 लगा के, क्योंकि y जो है cos 3t upon under root cos 2t के फॉर्म में, चलिए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया गया। तो फिर से हम cos 3t पे चेन रूल लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 cos square t, फिर cos t का जो डिफरेंशिएशन होगा -cos t होगा, और बी को हम ऐसे लिख देंगे फिर -sin, फिर cos 3t को एज इट इज पुट कर देंगे, अंडर रूट कॉस 2t को हम अंडर रूट एक्स की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x आ जाएगा, मतलब एक्स की जगह हमें cos 2t पुट करना है, cos 2t का फर्दर डिफरेंशिएशन -sin 2t होगा, और 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 कट जाएगा। तो बेसिकली वही चीज़ हो रहा है जो ऊपर हम लोगों ने एक्स में किया था dx/dt में, फर्क बस इतना है कि वहाँ sin 3t था और यहाँ पे cos 3t। फिर हम लोग इसको पहले की तरह एलसीएम लेंगे, तो ये जो कॉस अंडर रूट कॉस 2t है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे जाके इसके पावर में ऐड होगा तो हमें ये टर्म मिला। तो इस तरीके से हमें dy/dt मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में। और पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम डिफिनेशन करते हैं तो dy/dx हमें निकालना होता है, बट हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर को dt से डिवाइड करते हैं तब हमें dy/dt upon dx/dt मिलता है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से dy/dt की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 से dx/dt ये दोनों वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि जो डिनोमीटर है वो सेम है दोनों का, तो कट जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा आपको दिख रहा होगा पर्पल लाइन में -3 cos square t sin t cos 2t plus cos 3t। फिर यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से फंक्शन लिखा है वो किस चीज़ का है वो पता होना चाहिए, कि जो साइन 2t होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है 2 sin t into cos t, ओके। तो यही साइन 2t का एक्सपेंशन मैंने नीचे वाले टर्म के लिए भी किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, तो cos t और cos 3t मल्टीप्लाई होगा cos 40 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो है sin 3 मल्टीप्लाई होगा sin 3 में, तो sin 40 हो जाएगा। फिर ऊपर से हम लोग sin t cos
स्क्वायर टी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से हम लोग साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos² t ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 sin² t। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर साइन टी ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे वाला कॉस टी कट जाएगा, तो यहाँ बचा कॉस टी ऊपर, नीचे बचा साइन टी। फिर अगेन यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो कि है इस चीज़ का कि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉस 2x होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 cos² x - 1 और एक होता है 1 - 2 sin² x। तो ये सारे जो फॉर्मूले बीच बीच में यूज़ आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे फॉर्मूले जो हमें कैलकुलस में मिलने वाले हैं जब हम आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ में आएंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि अगर आप इसको पहले से मेमोराइज कर लें, अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर एक वीडियो बना रखा है, तो शायद उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें जितने भी फॉर्मूले मतलब हम पूरे कैलकुलस में यूज़ करेंगे वो सब तक इसमें मेंशन किए होंगे, ठीक है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो हम ऊपर वाले कॉस 2t में पुट करेंगे 2 cos² t - 1। तो ऐसे मैंने क्यों किया, मैंने 1 - 2 sin² t तो निपट किया क्योंकि इसमें दूसरा टर्म जो है कॉस स्क्वायर का टर्म है, क्योंकि वो उससे कटना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और नीचे वाले टर्म में जो कॉस 2t है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 - 2 sin² t, बिकॉज उसके साथ जो अटैचमेंट है यहाँ पे sin² t का है। तो यही चीज़ आप नीचे वाले स्टेप में देखेंगे, -6 cos² t प्लस 2 cos² t जो है -4 cos² t हो जाएगा, उसी तरह नीचे से -4 sin² t हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाहर हम लोगों ने कॉस टी और साइन टी लिमिटेड डेनोमिनेटर में छोड़ा है उसको अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता हुआ दिख रहा है 3 cos t - 4 cos³t 3 sin t - 4 sin³t। अब हमें एंगल के थ्राइस मल्टीपल या 3 times multiple समझा एंगल्स वाला फॉर्मूला रिमाइंड करना होगा, दैट इज sin 3x cos 3x। तो नीचे हमें एग्जैक्टली sin 3x का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज 3 sin t - 4 cos³t 4 sin³t, राइट। और ऊपर जो है हमें cos 3x का फॉर्मूला थोड़ा सा माइनस साइन के साथ चेंज करना होगा तब मिलेगा, तो अगर हम माइनस बाहर निकालें तब हमें 4 cos³t - 3 cos t मिलेगा, ठीक है। तो अब माइनस को बाहर जब निकाल देंगे तो ये 4 cos³t - 3 cos t हो जाएगा cos 3t, और नीचे हमें सेम हम sin 3x का फॉर्मूला लगाने में मिल जा रहा है sin 3t। तो जैसा कि हमें पता है कि cos upon sin जो है cot होता है, तो यहाँ पे cos 3t upon sin 3t विथ माइनस साइन विल गिव अस -cot 3t। तो यही चीज़ मैंने शुरू में वो बताया भी था कि इस क्वेश्चन में जो dy/dx है वो तो यहीं पे लगभग आ चुका है, बट आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुँचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो प्रूफ के फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे आंसर पहले से मेंशन था कि आपको आंसर क्या लिखे आना, -cot 3t, ओके। हम देख सकते हैं कि थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है ये, तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये 4 marks या 5 marks में क्वेश्चन पूछे जाए एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन को बनाने से आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिवाइज होंगे और पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन भी आपको सीखने मिलेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।